Hello, everyone. This is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel VMB tutorial. So, in last session, we have discussed how to formulate the area of parallelogram and triangle. Okay, and in today's session, we are going to discuss the exercise 11.2 that is totally based on what we have learned previously. Okay, so let's start today's session. So, question number one is find the area of each of the following parallelograms. आपको इस क्वेश्चन में फाइव पैलेलोग्राम दे रखे हैं और उनमें उनकी हाइट और बेस दे रखी है और उन हाइट और बेस का यूज़ करते हुए आपको पैलेलोग्राम्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए फर्स्ट पैलेलोग्राम यू हैव गिवन लाइक दिस सो एज़ यू कैन सी दिस पैलेलोग्राम इज डिवाइडेड इंटू टू ट्राइंगल्स इंटू टू ट्राइंगल्स वट यू कैन सी दिस इज़ द हाइट ऑफ़ दिस पारेलोग्राम एंड करस्पोंडिंग बेस ए दिस इस हाइट के लिए बेस क्या है सेवन सेंटीमीटर और हाइट की भी आपको लेंथ दे रखी है कितना फोर सेंटीमीटर एंड यू नो वॉट इज द एरिया ऑफ पालेलोग्राम एरिया ऑफ पालेलोग्राम बी इंटू बेस इंटू हाइट बी फॉर बेस एच फॉर हाइट सो सी बेस क्या है इस हाइट के लिए सेवन सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है फोर सेंटीमीटर सो सेवन फोर जै ट्वेंटी एट सेंटीमीटर में है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पानेलोग्राम पैलेलोग्राम का जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमें हाइट पता होनी चाहिए हाइट की करस्पॉन्डिंग बेस पता होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हाइट आपको दे रखी है एक बर्टेक्स परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ऑपोजिट साइड पर और साइड यहाँ पर क्या है सेवन सेंटीमीटर तो हाइट आपकी फ़ोर सेंटीमीटर हो गई और ये जिस पर ये हाइट ड्रॉप हो रही है वो बेस हो गया आपका सेवन सेंटीमीटर का ओके नाउ सी दिस हियर आल्सो दिस पालालोग्राम डिवाइडेड इन टू ट्राइंगल्स तो यहाँ ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया लेकिन ट्राइंगल्स का यहाँ कोई भी रोल नहीं है आपको सिर्फ ये देखना है कि एक बर्टेक्स से किसी ऑपोजिट साइड पर हाइट ड्रॉप है या नहीं है? तो देखिए ये क्या है इस बर्टेक्स ये क्या है पालालो ग्राम का बर्टेक्स और इस बर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इस ऑपोजिट साइड पर तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज इट्स हाइट मीन्स हाइट यहाँ पर क्या है थ्री सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज बेस बेस हो गया आपका फाइव सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम क्या होगा बी इंटू एच बी कितना है फाइव सेंटीमीटर एच कितना है थ्री सेंटीमीटर सो फाइव 3 फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके यहाँ पर देखिए इस पार्लेलोग्राम की भी आपको एक ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर हाइट दे रखी है इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इस साइड पर तो ये तो हो गई आपकी हाइट और ये क्या हो गया बेस तो हाइट और बेस आपको गिवन है यहाँ पर सो हाइट इज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड बेस इज़ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके सो एरिया ऑफ दिस पारेलोग्राम विल बी बी इन टू एच बी इज़ हेयर टू पॉइंट फाइव एच इज़ थ्री पॉइंट फाइव ओके okay? तो जब आप 2.5 का 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस पार्ललोग्राम विद हाइट 3.5 सेंटीमीटर एंड बेस 2.5 सेंटीमीटर ओके लेट्स सी दिस फिगर दिस इज आल्सो अ पारेलोग्राम इन विच द हाइट इज़ 4.8 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग बेस इज़ फाइव सेंटीमीटर So, height 4.8 centimeter and base is 5 centimeter. So, area of this parallelogram will be base into corresponding height. So, base is 5 centimeter and height is 4.8. So, 5 is 40 and 5 4 is 20 plus 4 24 is 24.0 centimeter square okay let's see this figure here also a parallelogram in which the height you can say this is the perpendicular drop from this vertex to opposite side so this is height so height is 4.4 centimeter and base is 2 centimeter so area of this parallelogram will be बेस इनटू हाइट बेस इज टू एंड हाइट इज फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर सो टू फोर जय एट डेमल टू फोर जय एट मीन्स एट पॉइंट एट सेंटीमीटर स्क्वाउ क्वेस्ट नंबर टू इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, ओके तो इस क्वेश्चन में आपको ये ट्रायंगल्स दे रखे हैं और उनके आपको एरिया फाइंड आउट करने हैं तो देखिए फर्स्ट फिगर इस ट्राइंगल में आपको हाइट दे रखी है और उसकी करस्पॉन्डिंग बेस भी दे रखी है ठीक है मीन्स एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑपोजिट वर्टेक्स पर तो वो आपकी क्या हो जाती है हाइट और जिस साइड पर ड्रॉप्ड है ये परपेंडिकुलर मीन्स हाइट वो करिस्पॉन्डिंग बेस होती है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ़ इंटू बेस इंटू height okay so half into base is 4 centimeter and height is 3 centimeter okay so 4 3s are 12 ones are 12 so 12 upon 2 means 6 centimeter square is the area of this triangle of which you have given height and corresponding base okay now see this figure here also from this vertex द हाइट इज ड्रॉप्ड ओके इस वर्टेक्स से इस क्वेश्चन में इस वर्टेक्स से हाइट ड्रॉप की है और यहाँ पर इस वर्टेक्स सेकेंड वर्टेक्स से हाइट ड्रॉप की है तो हाइट की आपको लेंथ दे रखी है और उसका करस्पॉन्डिंग बेस दे रखा है सो हाइट इज हेयर थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड वेस इज फाइव सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इन टू base into height okay so half base is 5 centimeter and height is 3.2 centimeter so if you divide this 3.2 by 2 so it will be 1 .6. 1.6 16 twos are 32 it means half of 3.2 is 1.6 into 5 and we know that सिक्सटीन फाइव ज एट्टी एंड देर इज डेसीमल पॉइंट बिफोर वन डिजिट सो वी विल पुट डेसीमल पॉइंट बिफोर वन डिजिट फ्रॉम राइट एंड साइड सो एट पॉइंट जीरो सेंटी मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस गिविन ट्राइंगल ओके नाउ सी दिस यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राएंगल राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी साइड्स ही क्या हो जाती है हाइट और बेस हो जाती है तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट ओके हाफ ऑफ अब देखिए यहाँ पर आपकी दो हाइट भी हो सकती हैं और दो बेस भी हो सकते हैं देखिए अगर आप इसको हाइट लेते हैं तो बेस क्या होगा आपका ये और अगर आप इसको हाइट लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा ये तो इन दोनों में से दोनों ही क्या है एक दूसरे का परपेंडिकुलर तो कोई भी हाइट हो सकती है कोई भी बेस हो सकती है तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर लीजिए सो इफ सपोज वी टेक दिस थ्री सेंटीमीटर एज बेस देन हाइट विल बी फोर सेंटीमीटर सो बेस इज थ्री सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ फोर सेंटीमीटर सो थ्री जा ट्वेल्व अपॉन टू मीन्स सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओके नाउ सी दिस लास्ट फिगर यू कैन से दिस इज आ ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल ये ट्राइंगल आपका क्या है ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल और ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल में हाइट हमेशा क्या होती है बाहर होती है ठीक है जब आप इसकी हाइट निकालेंगे इस ट्राइंगल की तो यहाँ पर होगी ठीक है तो हाइट आपको क्या गिवन है टू तो सेंटीमीटर और इस हाइट की करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगी ये सो बेस इज थ्री सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ बेस इन टू हाइट ओके सो हाफ ऑफ बेस बेस इज़ थ्री सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ टू सेंटीमीटर सो टू थ्री झा सिक्स अपॉन टू सो टू थ्री झा सिक्स मीस थ्री सेंटीमीटर स्क्वर इज द एरिया ऑफ दिस ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ओके लेट्स मूव टू द क्वेस्टन नंबर थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज आपको इस क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है जिसमें एरिया ऑफ पार्ला आपको दे रखे हैं और किसी पार्ट में आपको बेस दे रखा है तो किसी में हाइट दे रखी है देन करस्पॉन्डिंग बेस हाइट आपको यहाँ जो भी मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है ओके okay, तो देखिए टेबल आपको इस तरीके से दे, दे रखी है फर्स्ट कॉलम बेस का दे रखा है मीन्स यहाँ पर आपको बेस दे रखा है सेकेंड कॉलम है हाइट का तो कहीं पर हाइट मिसिंग है कहीं पर आपको गिवन है एंड थर्ड कॉलम इज ऑफ एरिया ऑफ पार्लालोग्राम कि एरिया गिवन है यहाँ पर हर एक ओके okay? इसका मतलब हर एक पार्ललोग्राम का आपको एरिया दे रखा है किसी में आपको हाइट नहीं दे रखी तो किसी में बेस नहीं दे रखी तो आपको करस्पॉन्डिंग हाइट या बेस फाइंड आउट करनी है तो देखिए फर्स्ट पार्ट ए पार्ट यहां पर आपको बेस दे रखा है ठीक है ट्वेंटी सेंटीमीटर और हाइट आपको पूछा गया है ठीक है और एरिया कितना दे रखा है इस पार्लेलोग्राम का टू फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर वी नो दैट एरिया ऑफ पार्ललोग्राम इज बेस इनटू हाइट ओके okay? अब यहाँ पर आपको एरिया कितना दे रखा है टू फोर्टी सिक्स बेस आपको ट्वेंटी सेंटीमीटर दे रखा है बट हाइट आपको निकालना है तो देखिए हाइट आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ ट्वेंटी का मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आप लाएंगे तो क्या होगा डिवीज़न होगा इसका मतलब हाइट आपकी क्या हो जाएगी टू फोर्टी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी ओके इट मीन्स अगर इसको टू से हम डिवाइड करते हैं टू वन जा टू 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 जा फोर टू थ्री जा सिक्स अपॉन टेन ओके इट मीन्स ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेंटीमीटर विल बी इट्स हाइट तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ओके नाउ नेक्स्ट देखिए बी पार्ट यहां पर आपको बेस मिसिंग है इसका मतलब बेस फाइंड आउट करना है और हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है एरिया क्या दे रखा है आपको 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो एरिया ऑफ पार्लोग्राम इज बेस इनटू हाइट ओके एंड बेस क्या है आपको निकालना है ठीक है बेस मिसिंग है बेस फाइंड आउट करना है हाइट आपको 15 दे रखी है और एरिया आपको 154.5 दे रखा है ठीक है अब देखिए बेस का 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 15 को जब आप इस साइड ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट एंड साइड तो ये क्या होगा डिवीज़न होगा सो 154.5 फिफ्टी डिवाइड बाई फिफ्टीन इजिक्वल्स टू बे और वी कैन राइट बेस इज इक्वल्स टू 154.5 अपॉन 15 ओके देखिए यहाँ पर आप 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15 वन जा 15 ओके okay? फोर जब आप कैरी करेंगे तो नहीं जाएगा तो इसलिए ज़ीरो सो so, 15 डेसिमल पॉइंट एंड 15 थ्री जा फोर्टी फाइव सो द बेस ऑफ दिस पार्लेलोग्राम विल भी टेन पॉइंट थ्री सेंटी मीटर ओके ओके तो आपका यहाँ बेस कितना आ रहा है टेन पॉइंट थ्री सेंटी मीटर नाउ सी द नेक्स्ट सी पार्ट इन दिस पार्लेलोग्राम यू हैव नॉट गिवन द बेस यू हैव गिवन हाइट एंड इट्स एरिया ओके सो बेस यू हैव टू फाइंड आउट हाइट करस्पोंडिंग हाइट यू हैव गिवन 8.4 सेंटीमीटर एंड एरिया यू हैव गिवन 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके एंड वी नो दैट एरिया ऑफ पेलेलोग्राम इज़ बेस इन टू हाइट सो पुट द वैल्यूज हेयर एरिया ऑफ पेलेलोग्राम इज़ फोर्टी सेंटीमीटर एंड बेस हेयर विल बी एज इट इज़ एंड हाइट इज एट फोर सेंटीमीटर ओके तो यहाँ से बेस आपका क्या हो जाएगा फोर्टी एट पॉइंट सेवन टू अपॉन एट पॉइंट फोर ओके अब अगर ये डेसिमल पॉइंट को आप रिमूव करते हैं तो देखिए फोर्टी एट सेवन टू पहले नंबर सिर्फ लिख लीजिए एट्टी फोर ठीक है अब देखिए यहाँ डेसिमल टू डिजिट्स पहले है तो जब आप ऊपर मीन्स नोमिनीटर का डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितने वन टू टू ज़ीरो आ जाएंगे आपके ओके okay? इसी तरीके से जब आप डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे वन डिजिट पहले डेसिमल है इसलिए वन जीरो तो वन ज़ीरो से ये वन जीरो कैंसिल हो गया क्या बच रहा है आपके पास देखिए फोर्टी एट सेवन टू अपॉन एट फोर्टी ये रिमेनिंग है ठीक है अब देख सकते हैं आप ये दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू से डिवाइड हो रहे हैं सो टू टू जॉ फोर टू फोर ज़ा एट एंड थर्टी सिक्स टू सेवेंटी टू 2 4 ja 8, 2 2 ja 4. Again, this can be divisible by 2. So 12 18 upon 2 2 ja 4, 2 1 ja. Yes. Again, now okay. it can be divisible by 3. So 3 4 ja 12 and 3 6 ja 18. Here 3 7 ja 21 and this 0. Okay. So if we divide this number 406 y 70. सो सेवन फाइव जा सेवन से कैंसिल होगा तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव फाइव विल बी रिमाइंडर फाइव सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स अपऑन टेन सो इट विल बी फाइव पॉइंट एट सेंटी ओके सो द बेस ऑफ दिस पार्लोग्राम इज फाइव पॉइंट एट okay now see this last part d part in this you have given base but height you have to find out and area of parallelogram is 16.38 okay and base is 15.6 centimeter and height you have to find out so as the area of parallelogram is base into height so area you have given 16.38 centimeter square and base is fifteen point six centimeter and height as it is okay. So if you find this height, so we will divide sixteen point three eight by fifteen point six. Okay, so height will be sixteen point three eight divided by fifteen point six. Okay, now divide it by two as the unit is it in both number is multiple of two. So two eight are sixteen

थर्टीन थ्री जा, थर्टी नाइन ओके अपॉन थर्टीन सेवे सिक्स मीन्स पॉइंट सिक्स ओके सो इफ यू रिमूव द डेसिमल पॉइंट सो इट विल बी सिक्सटी अपॉन सिक्सटी थ्री अपॉन सिक्स, सो सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स सो सिक्स जा, सिक्सटी, ओके डेसिमल पॉइंट And six fives are 30 means 10.5 centimeter is its height. Okay. So 10.5 centimeter is the height of parallelogram whose base is 15.6 centimeter and area is 16.38 centimeter square. Okay. So in this missed place, there will be 10.5 centimeter height. Okay. Let's move. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज़ फाइंड द मिसिंग वैल्यूज तो इस क्वेश्चन में भी आपको टेबल दे रखी है और इस टेबल में बेस आपको कुछ दे रखे हैं कुछ हाइट दे रखे हैं और यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ पार्ललोग्राम दिया था इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है किसी में आपको बेस दे रखी है तो हाइट आपसे हाइट मिसिंग है और किसी में हाइट दे रखी है देन बेस मिसिंग है तो मिसिंग आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो देखिए फर्स्ट पार्ट ए पार्ट देखिए यहाँ पर इस में आपको बेस दे रखा हाइट नहीं दे रखी है एरिया दे रखा है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओके सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फर्स्ट पार्ट में एटी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हाफ इन टू बेस आपको कितना दे रखा है फिफ्टीन एंड हाइट आपसे पूछा गया है तो हाइट आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर टू क्या है डिनोमिनेटर में है डिवीज़न में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ओके यहाँ पर फिफ्टीन मल्टीप्लीकेशन में तो इस साइड किस में डिवीज़न में हो जाएगा यहाँ क्या है लेफ्ट पार्ट एच इसका मतलब एच अब आपका क्या हो जाएगा तो देखिए टू जा फोर्टीन वन कैरी two 8s are 16 16 plus 1 17 so 174 divided by 5 so the height will be 11.6 centimeter okay so 11.6 centimeter will be the height of this triangle now see the second part b in which you have given height as 31.4 millimeter Okay, and base you have to find out, and area of triangle you have given 1256 millimeter square. Okay, so as the area of triangle is half of base into height. Okay, so half into base. You have to find out. So write it as it is. And height is thirty one point four. And area of triangle is one thousand two hundred and fifty six. Okay. So if we transpose this one by two and thirty one point four this side. So we will left only with V. So one thousand two hundred and fifty six multiply by two upon this thirty. 1.4, ओके टू को जब आप इस साइड लाएंगे तो अभी क्या है डिनोमिनेटर में है किस में हो जाएगा न्यूमिनेटर में और मल्टीप्लीकेशन में इसी तरीके से थर्टी वन पॉइंट फोर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा तो देखिए इफ वी रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट सो देर विल बी अ जीरो इन न्यूमिनेटर पार्ट बिकॉज इट्स इन डिनोमिनेटर सो वन टू फाइव सिक्स इन टू टू सो इट विल बी ट्वेंटी एंड हेयर इन डिनोमिनीटर थर्टी वन थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी डेसीमल पॉइंट को रिमूव करना है तो डेसीमल पॉइंट वन डिजिट पहले है इसका मतलब न्यूमिनीटर में वन जीरो आपका एड हो जाएगा यूनिट प्लेस पर तो टू है टू के आगे भी आप जीरो मीन ट्वेंटी हो जाएगा नहीं है तो आप वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स में भी जीरो को यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट जीरो कर सकते हैं दोनों ही तरीके से तो देखिए थ्री वन फोर को अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कराते हैं थ्री वन फोर को अगर आप फोर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा फोर फोर जा सिक्सटीन वन कैरी फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स मीन्स फोर टाइम्स ऑफ दिस थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन एज वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स सो दिस विल बी वन एंड हियर इट विल बी फोर So four into this twenty. Okay, so four into twenty is eighty millimeter will be the height of this triangle whose area is one thousand two hundred and fifty six and height is thirty one point four millimeter. Okay, so it will be here eighty millimeter. Okay, let's move to the third part. Now see the C part, last part. In this, you have given base. So, half into base 22 centimeter, and height you will write as it is that we have to find out. And the area of this triangle is 170.5. Okay. So, see, h will be 170.5 into this 2 upon 22. Okay. So, see, 2 1s are 2. एंड टू वन जै टू टू वन जै टू सो वन सेवेंटी पॉइंट फाइव अपॉन इलेवन ओके सो इफ यू डिवाइड दिस, के तो आंसर आ जाएगा आपका इलेवन वन जे इलेवन सिक्स रिमाइंडर जीरो इलेवन फाइव जा फिफ्टी फाइव देन अगेन इलेवन फाइव जा फिफ्टी फाइव सो फिफ्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मीटर विल बी इट्स हाइट okay so height of this triangle is 15.5 centimeter so this is how we calculate height or base if we have given the area of that particular triangle okay so that is for today's session in which we have discussed first four question of exercise 11.2 and if you have any query doubt related to these questions can ask on comment section and in my next upcoming session we are going to discuss next further four question of same exercise till then keep watching my channel thank you